सो फाइनली दोस्तों एसएससी के तरफ से जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए एग्जामिनेशन की जो लिंक है उसे एक्टिव कर दी गई है। आप जब यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2024, उसी के आगे यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया जाता है। आप यहीं से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो नोटिफिकेशन है उसे भी रिलीज कर दी गई है। आप जब इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में एसएससी स्टेनोग्राफर की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है इस फॉर्म से रिलेटेड कि कितनी वैकेंसी है, कब से आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की क्या लास्ट डेट है, आगे फॉर्म की फ़ी कितनी है, इस तरह की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी चीज़ें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। आगे आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आपको ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैंने आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उसे नोट डाउन कर रख लिए। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इस फॉर्म से रिलेटेड आपको जो भी डाउट आ रही होगी सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। और अगर आपकी फिर भी डाउट रह जाती है तो आप नीचे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर से करूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन दिखाई गई है कि आप इस फॉर्म के लिए 26/7/2024 से लेकर 17/8/2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप इस एप्लीकेशन के लिए 18/8/2024 तक फी पेमेंट कर सकते हैं। देन आपके लिए जो करेक्शन की विंडो है वो 27/8/2024 से 28/8/2024 तक खुली रहेगी, यानी कि आपकी फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो आप 27/8/2024 से लेकर 28/8/2024 तक उस गलती को आप सुधार सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो आपकी अक्टूबर और नवंबर के बीच में होने वाली है। और आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आती है, कोई भी स्टेप आपको समझ पर नहीं आती है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपने इस फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। देन यहाँ से मैं वैकेंसी की बात करूँ तो इसके लिए टोटल 2006 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपकी जो ग्रेड सी और ग्रेड डी है दोनों को मिलाकर 2006 पोस्ट के लिए वैकेंसी टोटल आई है, तो ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। अब अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल के बीच पर रखी गई है, और ग्रेड डी के लिए यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपकी जो एज की लिमिट है वो 18 से लेकर 27 साल रखी गई है, और आपकी जो ये एज है वो 1/8/2024 तक ही काउंट की जाएगी, उसके बाद आपकी एज काउंट नहीं की जाएगी। यानी कि आप अगर 2/8/2024 को आपकी डेट 18 साल से ज़्यादा या फिर 18 साल होती है तो आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर के इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको 12th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, यानी कि आपने 12th अगर किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने अगर 12th पास कर ली है या फिर अपेयरिंग स्टूडेंट है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपकी जो 12th की मार्कशीट है यानी कि 12th क्वालिफिकेशन जो है वो 17/8/2024 से पहले आपकी होनी चाहिए। अगर आपने 17/8/2024 के बाद 12th पास की है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप 17/8/2024 से पहले अगर 12th क्लास पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो अगर आप जर्नल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट करनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर आप एससी एसटी या फिर गर्ल्स कैंडिडेट है वुमेंस कैंडिडेट में तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपये इस फॉर्म को फिल करने को नहीं लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो अपने एप्लीकेशन की फ़ी है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि भीम UPI नेट बैंकिंग रुपये डेबिट कार्ड आप इस सारे मेथड के थ्रू अपने एप्लीकेशन की फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ आगे बताई भी गई कि आप 18/8/2024 तक इस एप्लीकेशन के लिए फ़ी पेमेंट कर सकते हैं।
देन अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए 0.25 मार्क्स निगेटिव है, यानी कि 1/4 की जो निगेटिव मार्क्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ही मैंने ऊपर पर आपको बताया कि स्टेनोग्राफर के लिए दो एग्जामिनेशन आपकी होगी, सबसे पहली एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो मैंने आपको ऊपर पर बताई, दूसरी एग्जामिनेशन है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, यानी कि आप अगर ऊपर वाले टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये सेकेंड टेस्ट के लिए मेल की जाएगी, यानी कि आपको सबसे पहली टेस्ट को क्वालिफाई करनी होगी, उसके बाद आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करनी होगी। और अगर आप फर्स्ट टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, सेकेंड को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप इस फॉर्म से बाहर हो जाएंगे। और अगर आपने सेकेंड एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ली है और आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर ली है, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, उसमें आपको बताई गई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो UR यानी कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 30% से ऊपर का स्कोर करना होगा। आप अगर OBC या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25% से ज़्यादा मार्क्स करनी होगी, और अगर आप ऑल अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 20% से अबव मार्क्स स्कोर करनी होगी। तो दोस्तों ये थी SSC स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी कि जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो सारी मैंने मेंशन कर दी है इस वीडियो पे। आगे मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको अब कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी कोई भी डाउट अभी भी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। और अगर आपको अपनी फॉर्म को भरने में कोई भी डाउट हो तो मैंने आगे ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताई थी, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर अपने फॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें या फिर सारी डाउट्स को पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, यानी कि आप अगर SC या SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, और अगर आप जर्नल या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपकी फॉर्म की जो फ़ी है यानी कि 100 रुपीज़ प्लस 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, और हमारी टीम आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरकर दे देगी। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे पूछी गई है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम के साथ शेयर करनी होगी, और हमारी टीम आपको घर बैठे इस फॉर्म को फिल कर दे देगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को साइबर कैफे जाए बिना घर बैठे ऑनलाइन करवाने के लिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अपने फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आप यहां पर सारी चीज़ें या फिर सारी जानकारी इस नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं। आगे वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि आप SSC स्टेनोग्राफर के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी भी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आप अगर अभी तक अपने फॉर्म को फिल आपने नहीं की है तो आप उस वीडियो को देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक, साथ ही इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख ले, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।